नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पिंटू सिंह यादव। दोस्तों, कल से भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया कंट्रोवर्सी, नया बखेड़ा शुरू हो गया है और वो बखेड़ा है भोजीपुरी एंटरटेनमेंट यूट्यूब को चलाने वाले महेश पांडे और पवन सिंह की एक टीम का सदस्य है जिसका नाम विशाल है। उन लोगों का विवाद शुरू हो गया है और ये विवाद एक होटल में बुलाकर ब्लैकमेल करने का है और हथियार के साथ कई लोगों के जमावड़ा के साथ मिलकर बैठाकर तमाम चीज़ें बुलवाने का है और ये चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। महेश पांडे ने भी अपने YouTube चैनल पर आकर तमाम चीज़ों को लेकर सफाई दी है, किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी किया गया, किस तरीके से साजिश किया गया, किस तरीके की चीज़ें की गई, ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं चला है। इसके बाद तमाम लोग महेश पांडे के सपोर्ट में आ रहे हैं। कल मैंने वीडियो डाला था, आपने देखा होगा, कल्याणी सिंह सपोर्ट में आई थी और वो लड़की जो कॉन्स्पिरेसी के तहत बुलाई थी उसको लताड़ी है और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके की नीच हरकत नहीं करनी चाहिए, ये लोग नामर्द लोग करते हैं इस तरीके की हरकतें। इस कड़ी में अब मैनेजर विवेक सिंह जो खेसारी लादू के हैं उनका भी एक पोस्ट आ गया है और उन्होंने लिखा है कि वाह रे गुंडागर्दी, कमजोर को डराना धमकाना अच्छा नहीं होता है। यानी कि उन्होंने गुंडागर्दी को लेकर बात कही है, उन्होंने कहा है कि जो कमज़ोर हैं उनको डराना धमकाना बहुत अच्छी बात नहीं है, जय भोजपुरी, उन्होंने इस तरीके की चीज़ें लिखी है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने भी सपोर्ट किया है। अब कौन कौन सपोर्ट में आता है इस पर, खेसारी लाल यादव के एक यूट्यूबर हैं क्योंकि उनके साथ जी जान के साथ काम करते हैं, उनके साथ तमाम चीज़ें करते हैं, तो खेसारी टीम उनके साथ किस तरीके से कॉर्पोरेट करती है ये बेहद देखना दिलचस्प होने वाला है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की गुंडागर्दी स्वीकार्य है हमारे समाज में, भोजपुरी इंडस्ट्री में? इस पर अपनी राय बताइएगा। धन्यवाद।